एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर वन हमें इंटीग्रेट करना है एक्स ओवर में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू ठीक है तो हम डायरेक्ट तो इसे कर सकते नहीं है तो इसमें ना हम हेल्प लेंगे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब कुछ ऐसा दिखे आपको कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन का एक्स की पावर वन हो और नीचे ऐसा कुछ हो एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ठीक है और यहाँ पे देखो आप एक लीनियर इक्वेशन ऊपर मतलब एक्स की पावर वन है नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर है इसमें क्या है कि एक ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब एक्स की पावर टू है मैक्सिमम पावर क्या एक्स की टू है नीचे ऐसा कुछ है इसमें क्या है ऊपर ऐसा है नीचे ऐसा कुछ है तो आपको इनमें से कुछ दिखे तो आपको ये अप्लाई करने पड़ेंगे ठीक है ये पाँच है आपको ये याद करना होगा ठीक है और जब आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही अभी फिलहाल ये देखो एक्स ओवर में एक्स प्लस इंटू में एक्स प्लस टू तो हम कौन सा यूज करेंगे नीचे क्या है दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई में मतलब एक्स की पावर वन वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे है सेम सेम है ना और ऊपर एक लीनियर है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी लीनियर है मतलब एक्स की पावर वन है यहाँ पे यहाँ पे भी एक्स की पावर वन है तो करें सॉल्व इसे तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ना अभी फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो एक्स ओवर में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू को मैं लिखने वाला हूँ ए ओवर में एक्स माइनस ए है यहाँ पे तो यहाँ पे ए डिवाइड में एक्स प्लस ए है इधर तो यहाँ पे एक्स प्लस वन लिखेंगे ठीक है और प्लस बी ओवर में एक्स प्लस टू ठीक है तो हमने ये अप्लाई किया यहाँ पे अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो x माइनस ए है लेकिन आपने x प्लस वन लिखा है देखो यहाँ पे कुछ भी हो हमें इससे मतलब है ठीक है ना यहाँ पे x माइनस ए था इसलिए यहाँ पे x माइनस ए है यहाँ पे x प्लस वन था इसलिए यहाँ पे x प्लस वन है अब इसे सॉल्व करते हैं ठीक है ठीके? हमें करना क्या है हमें ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है बस तो करें सॉल्व से तो हमारे पास क्या है एक्स ओवर में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू इजिकल टू में एल्सीम ले लो यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास ए इंटू में एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू में एक्स प्लस वन और डिवाइड में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू ठीक है कि सेम सेम है कैंसिल कर दो इसको तो हमारे पास क्या बचा कि एक्स इजिकल टू मल्टीप्लाई करो ए इंटू में एक्स ए एक्स ए इंटू में टू प्लस टू ए प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस बी इंटू वन बी ठीक है यहाँ तक पहुंच गए अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है बताओ इज़ इक्वल टू यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है तो x कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास और प्लस का साइन है तो प्लस साइन टू ए प्लस बी ठीक है अब हम कंपेयर करेंगे कंपेयर क्या करना है इस साइड से इस साइड को कंपेयर करो यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है a प्लस बी और इस साइड क्या है यहां पे वन है वन इंटू एक्स है ना तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिला एक्स कंपेयर किया हमने तो ए प्लस बी इजल टू वन तो ए प्लस बी इजल टू वन और क्या मिला टू ए प्लस बी कॉन्सटेंट है ये टू ए प्लस बी इस साइड कॉन्सटेंट क्या है कुछ कॉन्सटेंट वैल्यू नहीं है मतलब जीरो है ठीक तो है? तो A B और A B है. जो आपको मैथड अच्छा लगे उसकी हेल्प से आप आराम से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो ठीक है तो मुझे अच्छा लगता है मैथड ये वाला ये लाइन खींची मैंने ये प्लस है माइनस ये माइनस फिर ये माइनस तो ये क्या आ गया हमारे पास टू ए माइनस का है और ए तो माइनस का ए प्लस बी माइनस बी जीरो हो गया इज इक्वल टू वन तो मुझे क्या मिला माइनस ए इजगल टू वन मतलब ए इजल टू माइनस वन इसे पुट करूंगा इसमें तो ए की वैल्यू माइनस वन इस आएगी तो बी की वैल्यू क्या जाएगा मेरे पास टू आ जाएगा ठीक है ए मेरे पास माइनस वन आया बी मेरे पास टू आया तो मुझे करना क्या है अब मुझे बस सिंपल सा काम करना है कि इसमें मैं पुट कर दूंगा किस में इसमें तो यहाँ पुट करने के बाद मुझे एक्स ओवर में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने वन माइनस वन तो माइनस वन डिवाइड में एक्स प्लस वन प्लस तो प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास टू टू डिवाइड में एक्स प्लस टू ठीक है हमें इसे इंटीग्रेट करना था तो इंटीग्रेट सन वाला साइन लगा दो यहाँ पे यहाँ पे भी लगा दो यहाँ पे भी लगा दो ठीक है और डी एक्स लिख दो यहाँ पे यहाँ पे भी डी एक्स लिख दो यहाँ पे भी डी एक्स लिख दो तो अब तो आंसर आ जाएगा आराम से इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो वन ओवर में एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड़ एक्स प्लस तो टू, टू।, टू, मोड टू होगा ये सर नो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी और हमने निकाल ली ये हमारा आंसर आ गया लेकिन ये बुक से जो मैच नहीं होगा आपका आंसर एनसीईआरटी बुक से क्यों नहीं होगा क्योंकि ना उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है आप भी सिंप्लीफाई कर लो आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो लॉग मोड़ एक्स प्लस टू मोड की पावर टू ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि लॉग एम की पावर एन हमारा एन लॉग एम होता है तो यहाँ पे क्या है एन लॉग एम तो मैंने लिख दिया लॉग एम की पावर एन ठीक है और फिर माइनस भी है यहाँ पे तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन ठीक है मोड़ क्लोज अब ये प्रॉपर्टी भी होती लॉग की अभी दिखाई थी मैंने एक और प्रॉपर्टी कि लॉग ये रहा, एम लॉग एम माइनस लॉग एन हमारा इक्वल होता है लॉग एम अपॉन में एन के तो इसको भी लिख यूज़ कर लो तो यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन ही तो है तो लॉग एम मतलब मोड़ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स प्लस वन मोड़ का तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस सी करना होता है ना तो प्लस सी भी कर दो इसमें प्लस सी प्लस सी और प्लस सी ये हमारा आंसर आ गया ओके